यूज किया वैसे भैया सेशन में मोबाइल बंद करके बैठा जाता आपको पता नहीं है क्या चल ले जाओ ले आओ ठीक है तो अजीत डोभाल जी की हम बात करें तो अजीत डोभाल जी से स्मार्ट वर्कर और इस कारण से वो क्या हुए बहुत आगे बढ़ गए। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा हार्ड वर्कर वहां मत बैठो आने जाने वाले लगे यहाँ जाओ यहाँ पे आओ। हार्ड वर्कर की बहुत बड़ी बात कही जाती है फोकस ऑन क्वांटिटी। हार्ड वर्कर पे आरोप लगता है कि आप केवल क्या कर रहे हो आप क्वांटिटी में केवल फोकस कर रहे हो। आप खुद को भी एनालाइज करिए ध्यान रखिएगा मैं ये बता दे रहा हूं कि आप खुद को भी तौल के देखिए कि आपसे क्या गलती हुई है। बैठ जाइए सामने अब मैं थोड़ा सा आपको भी इन्वॉल्व करके स्टार्ट कर रहा हूं। अब खुद के बारे में सोच के देखिए क्या आप सिर्फ क्वांटिटी पे काम करते हो। हार्ड वर्कर पे आरोप लगता है कि वो सिर्फ क्वांटिटी पे काम करता है मतलब 10 घंटे 12 घंटे 20 घंटे। स्मार्ट वर्कर वर्क ऑन क्वालिटी स्मार्ट वर्कर में लिखिएगा वर्क ऑन क्वालिटी ये बहुत बड़ी चीज है ध्यान लिखिएगा। अगर ये चीज आप अगर समझ गए तो आज आप भी नागपुर के बच्चे के बराबर हो। नागपुर के बच्चे स्मार्ट वर्कर से इंदौर स्मार्ट वर्कर के कारण आपसे कई गुना आगे निकल चुका है। आप हार्ड वर्कर बने तो कुछ नहीं कर पा रहे। मैं ये पूछ रहा हूं आज आप 3-4 साल 5 साल कितने साल 12-15 साल लगभग सबकी पढ़ाई हो चुकी है ये मुझे बताओ क्या क्वालिटी है आपके अंदर। बहुत बड़ा प्रश्न है आज 15 साल माँ बाप ने पैसे लगाए 15 साल तो इन्वेस्टमेंट अगर कर देते तो पापा तो करोड़पति आज बन चुके होते। क्या आपके अंदर क्वालिटी है किसी काम को करने की। क्या आपको आपके फील्ड में छोड़ दिया जाए तो आप फील्ड को संभाल पाओगे अपनी फील्ड को। क्या कप्तान एम एस धोनी टाइप की क्वालिटी आपके अंदर लीड करने की। अंशिका जी इधर देख लो कहा वो लड़के को देख रही अंशिका इसी कारण से युवा नहीं वो मुझे पता है ना बहुत ज्वलंत क्वेश्चन उठ रहा है क्वालिटी है। आप कहते हो ना कई बार इंटरव्यू में जैसे कई लोग इंटरव्यू में देखा है एचआर को बेवकूफ बनाते हैं सर आई एम वेरी स्मार्ट वर्कर कॉन्फिडेंटली मैं बहुत अच्छे से स्मार्ट वर्क करके काम करता हूँ और मैं हार्ड वर्क में विश्वास ही नहीं करता पता नहीं कहाँ बोलते रहते हो। तो अगर तुम स्मार्ट वर्कर हो तो तुम्हें बताना चाहिए कि तुम्हारे पास क्वालिटी रिजल्ट देने की शक्ति है रिजल्ट क्वालिटी रिजल्ट देने की शक्ति। आज अगर मैं एक दिन के लिए आपको कंपनी का सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना दूं एक दिन के लिए कंपनी का सेल्स मैनेजर बना दे रहा हूं जो भी जोनल लेवल का कर लोगे एक दिन में काम। एक दिन का सीएम बना था ना नायक ने एक दिन का सीएम बन के उन्होंने जिस तरीके से क्वालिटी करके दिखाया अनिल कपूर जी ने क्या एक दिन में काम कर सकते हो किसी कंपनी के लिए कर सकते हो। हाँ ना तक नहीं बोलते नहीं कर सकते नॉलेज की बात ही नहीं है बात नॉलेज तो अच्छा 1500 से नॉलेज नहीं दे रखे तो नॉलेज नहीं मिला आपको। अब ये बात कॉलेज में जाकर भी बोल रहा सर जी मुझे नॉलेज मिला ही नहीं 4 साल से तो मैं बैठा हूँ कॉलेज में दोष किसका है क्लास तो लग रही थी यूट्यूब में भी चैनल है आपने नॉलेज ले लिया आप बारों ने कर दिया। एक्सपीरियंस काम करने से आता है पहले आपके पास नॉलेज के लिए तो 15 साल से माँ बाप पैसे नहीं दे रहे थे 15 साल से माँ बाप ने पैसे नहीं दिए 15 साल से कॉलेज स्कूल में ज्ञान नहीं मिला तो आप यही क्यों खड़े हो वाई आज माँ बाप के सामने जाकर बोलना कि सर 15 साल में मैंने कुछ नहीं किया और कॉलेज के सामने बोलना सर 4 साल में दिल से बोल रहा कुछ नहीं सीखा आपसे मैंने ठीक है बस डिग्री एक चिपका दी बस मैंने आपके साथ। आपको ये ध्यान रखना है कि क्वालिटी जिसके पास है ना वो स्मार्ट वर्कर है और क्वांटिटी जिसके पास है वो हार्ड वर्कर है। दुनिया में राज कौन करता है क्वालिटी वाला की क्वांटिटी।